आरा सदर अस्पताल में नवजातों के लिए बनाए गए एसएनसी वार्ड के बाहर आज एक नवजात के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे परिजन वार्ड में भर्ती उनके नवजात के शरीर पर चींटी चढ़ जाने के बावजूद नर्स व अन्य कर्मियों द्वारा लापरवाही किए जाने से आक्रोशित है। गुस्साए परिजनों के मुताबिक जब उन्होंने अपने नवजात के शरीर पर चींटी चढ़ जाने की बात कहकर मौजूद नर्स से उसको ठीक तरीके से देखभाल किए जाने की बात कही तो नर्स भड़क उठी और उन्हें वार्ड से भगा दिया। परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे अन्य अस्पताल कर्मियों ने बीच बचाव कर हंगामे को शांत कराया। हंगामा कर रहे नवजात के परिजन कोइलवर के जमालपुर रहने वाले निवासी बताए जाते हैं, जिनका नवजात का पिछले दो दिनों से एसएनसी वार्ड में इलाज चल रहा है। उसमें किसका देखभाल रहता है उसके बाद हम तो समझ में नहीं आया, कोई किसका देखभाल रहता है आप बताइए। हम जब गए तो बोली कि नहीं क्या बैठा है, कहा हमको हम सुनता है कि हमको कॉमन साइंस सिखा रही है, पॉलिटिकल साइंस सिखा रही है। तो उसमें किसका देखभाल रहता है उसके बाद हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई किसका देखभाल अस्पताल प्रशासन का ना। हम जब गए तो बोली कि नहीं क्या बैठा है, कहा हमको हम सुनता है कि हमको कॉमन साइंस सिखा रही है, कौन था साइंस सिखा रही है पूछ रहा था आपसे ये बात। हाँ बोलिए, कौन आपसे ये बात बोला है कि कहाँ बैठे हो या अंदर नहीं जाना है, या कौन बात बोल रहा था दिखा दे। अरे बताइए ना यहाँ कौन था, डॉक्टर था, नर्स था, कंपाउंडर नर्स थी, नर्स थी। हाँ मन कर रहा था तो गार्ड साहब से हम बोले कि गार्ड साहब हमको बहुत मन तरस रहा है बेटी को देखने के लिए, कल 11 बजे रात दिन से भर्ती है मेरी बेटी चिकनो शीशा में, तो हमको मन व्याकुल कर रहा था, हम नहीं खाना खा रहे हैं 3 दिन से परिवार के चलते नहीं खा रहे, मेरा परिवार के दुख हो रहा, हम रात 8 फोड़ फोड़ कर जगा थे, ये लोग आराम कर रहा है ठीक दिखाए और बता रहे हैं। चुप चुप रहिए, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे बोलिए इधर। हम कह रहे हैं जब अपना देखने गए बच्चा को तो देखे कि मेरी बेटी के जांग में छुट्टी काट कर लाल हो गया। चुप रहो, हम पढ़े लिखे हुए। अरे बताओ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि नहीं उसमें अलाउ है, ये बच्चा के इन्फेक्शन हो जाता है वातावरण से, क्या गलत हम बोल रहे हैं? क्या बच्चा के मैं चुटी शरीर पर घूम रहा था, पर काट रहा था सर, अभी झाड़ा लोग सब डॉक्टर साहब लोग बोलता है कि नहीं जाना, अंदर जाना अनिवार्य नहीं है, इन्फेक्शन होता है वातावरण से, बच्चा को शक्ति नहीं होता है तो इसीलिए इन्फेक्शन होता है, समझ गए। हम बोल रहे थे मेरे सासू माँ कैसा है, हम सासू माँ के विश्वास पर छोड़ रहे हैं। अमृत किड्स पब्लिक स्कूल, आपके नन्हे मुन्नों की कल्पनाएं और उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान, जरूरत है एक सही दिशा दिखाने की, बचपन की दहलीज पर पहला कदम, जरूरत है उन्हें सही रास्ता दिखाने की, रंग बिरंगे सपने, जरूरत है उन सपनों को साकार करने की। अमृत किड्स पब्लिक स्कूल आपके बच्चों का पहला बड़ा कदम, इसलिए हमारे मजेदार लर्निंग प्रोग्राम 2 से 10 साल के बच्चों को देते हैं जरूरी नॉलेज और भरपूर कॉन्फिडेंस। इतना ही नहीं, नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल BHU में नामांकन हेतु तैयारी कराई जाती है, इसके साथ ही RTE एक्ट के तहत फर्स्ट क्लास में 25% नामांकन एवं शिक्षण निशुल्क। नामांकन प्रारंभ है क्लास नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो पता याद रखें, अमृत गेट्स पब्लिक स्कूल, मेल रोड, ईस्ट नवादा, आरा।